वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिया। कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। एक बंगाली ट्रेडिशनल रेसिपी है, दोई माछ। सो चलिए बनाते हैं। और मेरे चैनल पे मैं ऑलमोस्ट 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ इन फ्यूचर उसे आप मिस ना करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोई माछ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कातला मछली ले लिया है, 6 पीस लिया है मैंने। इसको मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट और बिल्कुल थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल के साथ इसे मैरिनेट करके 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें फिश को फ्राई करना है। उसके लिए भी मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया, आप चाहे तो कोई और ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसे दोनों साइड से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ओवर फ्राई हम नहीं करेंगे। फिश हमारा फ्राई हो चुका है, इसे एक प्लेट में उठा कर रख देंगे। अब जितना ऑयल बचा है उसे मैं करी प्रिपेयर करूँगी। इसके लिए मैंने ऐड किया है 2 ड्राइड रेड चिली, 1 बे लीफ, 1 सिनेमन स्टिक, 1 ब्लैक कार्डमम, 2 ग्रीन कार्डमम, 2 क्लोव्स, 3 to 4 पेपरकॉर्न्स, 1/2 टीस्पून जीरा। इसे हम 1 से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टर्मरिक 1/2 टीस्पून। इसका हमें ऑफ वाइट कलर चाहिए, इससे ज़्यादा टर्मरिक यूज़ नहीं करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है अनियन। मैंने एक मीडियम साइज के अनियन को रफली चॉप करके ऐड कर दिया है। इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। और मैं ऐड कर रही हूँ अनियन पेस्ट। मैंने एक मीडियम साइज के अनियन के साथ 2 ग्रीन चिलीज मिला के फाइन पेस्ट बना दिया था, उसी को ऐड किया है। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। मैंने गार्लिक यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। 6 to 7 किशमिश। इसे मीडियम फ्लेम में हम फ्राई करते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ खसखस का पेस्ट। मैंने 2 टीस्पून खसखस के साथ 12 टू 15 काजू को मिला के एक फाइन पेस्ट बनाया था, उसी को ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी मिला के मीडियम फ्लेम में उसे चलाते रहेंगे ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, ये रोस्टेड क्यूमिन पाउडर है। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून शुगर। शुगर ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। मिला देंगे मसालों के साथ और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाला नीचे से जल ना जाए। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कर्ड। मैंने 1/2 कप कर्ड को अच्छे से फेंट के रख दिया था। और जब कर्ड ऐड करेंगे इमीडिएटली हमको चलाते रहना है, नहीं तो कर्ड फट सकता है। और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 2 ग्रीन चिलीज, स्लिट करके मैंने ऐड कर दिया। और सॉल्ट स्वाद अनुसार मिला देंगे और मीडियम फ्लेम में इसे हम कुक करेंगे। हमें ये वाला ऑफ वाइट कलर चाहिए। इसमें मैंने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दी थी, मुझे कितना कंसिस्टेंसी चाहिए उसे हिसाब से आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून घी। ग्रेवी के साथ इसे एक बार मिला देंगे और जो फ्राइड फिश हमने करके रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। फिश ऐड करने के बाद 5 मिनट्स हमें रखना है और हमारा दोई माछ बनके रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कितना अच्छा। आप अपने हिसाब से वाटर ऐड कर सकते हैं और नहीं तो और थोड़ा गाढ़ा बना सकते हैं इसको। आई होप आप सबको ये डिश बहुत पसंद आई। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी घर पे बनाइए और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर आपको डिफरेंट टाइप की फ़िश रेसिपी पसंद है, मैंने ऑलरेडी रेशमी फ़िश और कातला कालिया की रेसिपी बनाया था, नीचे मैं उस स्क्रीन पे दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।